खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां गर्मी बढ़ने के साथ राजस्थान में बिजली कटौती का दौर शुरू हो गया। एक तरफ जहां लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक जहां लक्ष्मणगढ़ शहर में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और रात में 8 से 9 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी। बताया जा रहा है कि राजस्थान कोयले की काफ़ी कमी वहाँ चल रही है, इस वजह से राज्य को बिजली का संकट का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी की वजह से राजस्थान में बिजली की मांग 31% तक बढ़ गई है। अभी वर्तमान के अंदर अपने को पता है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो बिजली का संकट चल रहा है, इसका मेन रीजन तो गवर्नमेंट लेवल का इश्यू है। उसमें कोयले की कमी है और जो अपनी डिमांड है वो बढ़ गई है और उत्पादन इतना हो नहीं पा रहा है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरा प्रयास कर रही है और हम भी पूरा प्रयास करेंगे, आने वाले 5 से 10 दिनों में ये समस्या हल हो जाएगी। जहाँ तक लक्ष्मणगढ़ सिटी की बात है, लक्ष्मणगढ़ शहर के अंदर अभी के शेड्यूल के अनुसार रात को 8 से 9 और सुबह 6 से 9 बजे तक का ये कटौती का आदेश है। आगे जो भी चेंजेज आएंगे, धीरे धीरे ये कटौती कम हो रही है और आने वाले 7 दिनों में ये समस्या हल हो जाएगी। खबर झुंझुनू से है, DMFAT की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने PRO ऑफिस का दौरा किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में पत्रकारों ने मीडिया हॉल बनाने की मांग रखी, जिस पर डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने फौरन 15 लाख रुपए की लागत से PRO ऑफिस में मीडिया हॉल बनाने की घोषणा करते हुए प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश PRO हिमांशु सिंह को दिए हैं। पीने के पानी की दिक्कत नहीं आने देंगे कहीं पे भी, क्योंकि व्यवस्था ऐसी करी है जहाँ पे अगर ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं हो पाया है, जहाँ पे ट्यूबवेल नहीं फिल हो पाया है, तो वहाँ पे टैंकरों के माध्यम से आम जनता को पानी मुहैया कराया जाए उसके अंदर भी। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर श्री गंगानगर से है, जहां बार संघ घड़साना के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ व 6 अन्य व्यक्तियों को पुलिस द्वारा शांति भंग के आरोप में रात को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। उन्हें अमानवीय यातनाएं देने और कुल 25 लोगों के विरुद्ध कातिलाना हमले, ब्लैकमेलिंग, हथियार दिखाने जैसे आरोप में थाने में मामला दर्ज कर उनको सस्पेंड कर, जो वकील है समुदाय वर्ग सस्पेंड कर सड़कों पर उतरा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस क्रम में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एवं जोधपुर के जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के वकील ने विरोध प्रदर्शन कर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। पिछले एक हफ्ते भर से जिस प्रकार घड़साना पुलिस थाने के अंदर एडवोकेट विजय झोड़ को थाने के अंदर ले जाके जिस प्रकार पिटाई की गई है, यातनाएं दी गई, उसके खिलाफ आज पूरे संभाग के बार संघ ने जो प्रदर्शन किया है, जो मुलजिमों को गिरफ्तार करने की मांग की है, सबसे पहले तो हम घड़साना संघर्ष समिति की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई का आह्वान किया है। और दूसरा, कल हमने व्यापार मंडल में संयुक्त मीटिंग बुलाई है, जिसमें व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत, संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत तमाम राजनीतिक दलों के, सामाजिक संगठनों के लोग इकट्ठे होंगे। और कल 11 बजे घड़साना पुलिस थाने के खिलाफ जो माननीय न्यायालय ने 156(3) में मुकदमा दर्ज कर तकरीबन 70-80 पुलिसकर्मियों अधिकारियों के खिलाफ जो आदेश दिए हैं, हमारी मांग होगी कि इनके खिलाफ न केवल मुकदमा दर्ज किया जाए, शीघ्र किया जाए, बल्कि मुकदमे के साथ साथ इन तमाम अफसरों को लाइन हाजिर किया जाए जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, और उसके बाद यहाँ नया स्टाफ की नियुक्ति की जाए ताकि घड़साना जैसे इलाके के अंदर दोबारा शांति स्थापित की जा सके।